देश में कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं, वहीं गरीब असहाय लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र जलेसर रोड मलिन बस्तियों में रोजाना की तरह भारतीय स्वर्व संगठन कौशल किशोर उपाध्याय ने करीब 300 डिब्बे खाने के वितरण किए। इतना ही नहीं, भारतीय विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष रमाकांत पचौरी एवं कौशल किशोर उपाध्याय ने असहाय एवं गरीब लोगों को खाना वितरण किया। वहीं गरीब और असहाय लोगों का कहना था कि ना ही मेयर साहिबा ने हमारी अभी तक सुनी, ना ही नगर विधायक ने। वहीं कौशल किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमेशा हम गरीब एवं असहाय लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सौराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। अभी तक हमें विधायक के कोटे से कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही, ग्यारह बस्ती से मैं बोल रहा हूँ, और ना ही नूतन राठौर का हमें कोई सुविधा मिल रही। और जो है अन्य बस्तियों में तभी सभी खाने पीने के सामान बांटे जा रहे हैं, और मैं ग्यारह बस्ती से रमेश चंद जी बोल रहा हूँ। अगर विधायक जी अगर मुझको अगर मेरी भी आवाज़ सुने तो यहाँ ग्यारह बस्ती में नज़र उठाकर देखें, नूतन राठौर जी हैं, अगर वो भी नज़र उठाकर देखें तो यहाँ ग्यारह बस्ती के अंदर अभी तक हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही। और ये हमें ये आप जो कुछ संस्था के लोग हैं, ये किशोर उपाध्याय है, ये लोग कुछ लोग जो है खाने के पैकेट बांटे हैं, और जो ग्यारह बस्ती के अंदर जो सुविधा इन लोगों पे है वो बांटी जा रही है। और जो मोहल्ला कृष्णा नगर के अंदर ये दूसरी बार आए हैं जो हम लोगों को मतलब खाने के पैकेट बांटे गए, और कुछ जो है आटे के पैकेट भी बांटे गए। जो संसदा की तरफ से ये लोग जो भी उन पर सुविधा बन रही है ये कर रहे हैं। और मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और नूतन राठौर मेरी आवाज़ सुने तो ग्यारह बस्ती की तरफ नज़र उठाकर देखें एक बार कि यहाँ पर कितनी स्थिति खराब है, कितना क्या माहौल है। इस माहौल को आप देखते हुए मैं जय हिंद जय बस्ती में विश्व हिंदू परिषद एवं श्रवण संगठन के सहयोग से भोजनों के पैकेटों का वितरण किया गया। यहाँ पता चला आकर के यहाँ सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही, मेयर ने भी यहाँ एक भी पैकेट कभी नहीं बंटवाया। ये ग्यारह बस्ती है, कृष्णा कौन सा कृष्णा नगर ग्यारह बस्ती है। आज हमने करीब 300 डिब्बे बांटे हैं, लेकिन हम बांटते हुए चले आ रहे थे, जो हम पे शेष बचे वो सारे पैकेट हमने यहीं पे बांटे हैं। जी आज किस जगह किस काम दिया गया? हम लोग प्रतिदिन की बात, आज ग्यार कॉलोनी जो तुम्हारे ककर कोटी के पास है, ये लोग वास्तव में बहुत पीड़ित हैं। इनके पास यानी खाने के पैकेट भी कम मात्रा में आ रहे हैं। हम ही दो तीन बार इधर बांट गए, कुछ आटे के पैकेट आलू के पैकेट बांट गए, कुछ लोगों ने बताया वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इन लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया हमारे पास अभी प्रॉपर मात्रा में नहीं आए हैं। निश्चित रूप से गरीब और असहाय लोग ये हैं, इनकी मदद करना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है। आज हमारा मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अन्य संगठनों से जुड़ा हुआ हमारे बड़े भाई रमाकांत पचौरी जी विभाग अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे ओम प्रकाश दिवाकर जी हैं, ये भी बहुत ही क्रांतिकारी हैं, कंधा से कंधा मिला के 25 तारीख के बाद हमारे साथ लगे हुए हैं। ये महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसी के साथ साथ अनिल जी हैं और इनकी पूरी टीम ग्यार कॉलोनी की, और ये सब लोग प्रयास ये करते हैं कि हम ज़्यादा कितने डिब्बे बांटे हैं खाने के? देखो हम लोग कम से कम 300 से 400 से 500 के करीब डिब्बे बांटते हैं। कब से बांट रहे हैं? हम लोग लगातार 25 तारीख से बांट रहे हैं। सब लोग आपने देखा होगा, सभी मीडिया के भाई क्रमबद्ध तरीके से कभी कोई हमारे साथ रहता है, हम किसी एक व्यक्ति को मीडिया वाले को अपने साथ नहीं रखते हैं। और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, गरीब लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएँ। उसी क्रम में आज हमने पुनः तीसरी या चौथी बार गिहार कॉलोनी में इस भोजन का वितरण किया है। इनकी दिशा देखी नहीं जाती है। धन्य हो मेरे जनप्रतिनिधियों, यानी इधर आने में तुम्हें कोरोना डसेगा नहीं। मेरा आपसे फिर आग्रह निवेदन है, हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। पैसे वालों के क्षेत्र में जाके मदद करना ये कोई बहुत अच्छी बहादुरी का काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। मेयर मैडम की सब लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि मैडम कहीं नहीं आती हैं। ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ये इनको कितने पैकेट यहाँ पर दे दिए हैं, या कितना आटा दे दिया है, कितना गेहूँ दे दिए हैं, तो बताइए ये जनप्रतिनिधि क्यों चुने हुए हैं? देखिए इनकी पीड़ा को देखिए, ये लोग नई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है भारतीय सवर्ण संगठन का, विश्व हिंदू परिषद का, कंधा से कंधा मिला के हम लोग लगे हुए हैं। गरीब असहाय कॉलोनियों में हम लोग जा रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं, महिला पुरुष पीड़ित हैं। मैं तो
शासन से भी कहूँगा इधर राउंड लगाएं और इन लोगों की मदद करें। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जितने संसाधन हैं उससे जितनी मदद हो सकती है, हमारे पत्रकार भाई ब्रस वान जी आए हुए हैं, इनको भी मालूम है हम सच्चे दिल से अच्छे मन से लगे हुए हैं। और आप पहले से हमारे स्वराज सिंह परिचित हैं कि हम दिखावा कम करते हैं, सच्ची और अच्छी बात को समाज के सामने रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।